स्टीलिंग का मतलब क्या होता है, हम छोटी छोटी चीज़ समझते हैं जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में हो गया। समझ लीजिए कि मैंने 20 रुपए का सामान खरीदा, राइट, तो मैंने देते समय 15 रुपए दिए, उसने ध्यान नहीं दिया, मैं 15 रुपए दे के आ गई। अब मुझे लगा मैं वापस आ गई, बहुत दूर आ गई, मुझे लगा अरे यार कौन जाएगा 5 रुपए देने के लिए, उसको भी याद नहीं है, मुझे भी याद नहीं है। ये इंटेंशनली वैसे नहीं हुआ, बट इट काउंट्स इन द स्टीलिंग। सेकेंडली स्टीलिंग क्या हुआ, अब जैसे कोई मुझे खुदरे ज़्यादा दे दिया तो मैंने उसको रिटर्न नहीं किया, या फिर एक की जगह कभी 2 सामान अपने आप आ गया इन ऑर्डर, मैंने वो रिटर्न करने का नहीं सोचा, लगा रे लक्ष्मी है आई है, मतलब होता है, मैंने सुना है बहुत जगह लक्ष्मी है आई है, लक्ष्मी का तो मतलब स्वागत ही करना चाहिए, मैंने सुना है ये सारी चीज़ें लोगों से, तो अपने हक से ज़्यादा नहीं लेने का है, अपने हक के अंदर ही लेंगे तो ये सारे स्टीलिंग में काउंट होंगे। जो भी चीज़ आप डिज़र्व नहीं करते हो आप नहीं लेंगे, ये होता है एक्सेसिव ग्रीड। जब आप सिर्फ अपने बारे में सोचने लग जाते हो, अपने कमाई के बारे में सोचते सोचते आप दूसरे का नुकसान जब भूलने लगते हो ना, तो वो एक्सेसिव ग्रीड में आता है, उसके पहले तक वो एक्सेसिव ग्रीड में नहीं आता है। तो कैसे काम करना है, विन विन सिचुएशन में काम करना है, कि आप अपना फ़ायदा ज़रूर करें बट दूसरों का नुकसान करके अपना फ़ायदा अगर आप करते हैं तो वो आपका एक्सेसिव ग्रीड है, वो अलाउड नहीं। अक्यूमुलेटेड एनर्जी क्या क्या चीज़ की हो सकती है, ये जो सारी चीज़ें हमने बात करी, ग्रीड भी हो सकता है, लो सेल्फ एस्टीम भी हो सकता है, कॉन्फिडेंस की कमी, स्टीलिंग की एनर्जी, ऐसी सब कुछ भी हो सकती है। इन सारी चीज़ों को क्लीन करना होता है। और आजकल जो बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है, दैट इज़ वॉट साइकिक अटैक, राइट, ब्लैक मैजिक, ये सारी चीज़ें भी है ना, जिस वजह से हमारा प्रोस्पेरिटी ग्रो नहीं करता है, आउट ऑफ जेलसी जो लोग बांध देते हैं, मतलब प्रोस्पेरिटी एंड ऑल को, उस वजह से भी लोग ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो जो हमारा पहले का पॉइंट्स था, क्या था, ओल्ड चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग और लो सेल्फ एस्टीम, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं विथ गुड मेमोरी, विथ गुड प्रोस्पेक्टिव, राइट, विथ गुड पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या हुआ, पैसे कमाना बुरा बात नहीं होता है, पैसे कमाना हार्ड या फिर तकलीफदायक नहीं होता है, बुरा नहीं होता है, पैसे हर मुसीबत की जड़ नहीं होती है, अगर सही तरीके से पैसों को कमाया जाए और यूज़ किया जाए, ठीक है। ये हुआ हमारा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मनी। तो क्रिएटिंग गुड कर्मा बाई टाइडनिंग, ये जो वो वाला पॉइंट था ना, फियर कब नहीं आएगा, जब आपको टेक्निक पता होगी। टेक्निक क्या होगी आपकी, टेक्निक ऑफ प्रोस्पेरिटी क्या है, मास्टर ने टेक्निक ऑफ प्रोस्पेरिटी क्या बताई है, डोनेशन, टाइडिंग, ये आपका क्या है, टेक्निक है, राइट। इट्स लाइक आपने अगर कुछ बो दिया, कोई अगर आपने सीड बो दिया, अब तो गांच उगेगा, अब भले ही आप 100 बार बोलो मुझे इस गांच के फल नहीं चाहिए, फिर भी गांच के फल तो मिलेंगे, राइट। ग्रंथों में वेद पुराण में बताए हुए हैं, जब आप देते हो तो आप इंटाइटल हो जाते हो रिसीव करने के लिए। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि मेहनत कम करते बट पैसा बहुत आता है, बहुत से लोगों को ऐसा देखा होगा जो मेहनत बहुत जम जम के करते बट पैसा उतना नहीं आता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनका कर्मा कम होता है, कर्मा ऑफ इंटाइटलमेंट कम होता है, राइट, प्रोस्पेरिटी एनर्जी उनमें कम होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि उनमें से ये सारी में से कोई एक प्रॉब्लम होता होगा उनका जो उनको पता नहीं चलता है, या फिर उनके डोनेशन इंपैक्ट नहीं होते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का जब हम ध्यान रखेंगे तो हमें पता चलेगा, जैसे मास्टर ने बोला था ना, लेस वर्क मोर प्रोडक्टिविटी, लेस टाइम लेस एफर्ट मोर प्रोडक्टिविटी, तो हम वहाँ पे आ जाएंगे अगर हम ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना स्टार्ट कर देंगे। डन, विजुअलाइजेशन थ्रू पिक्चर्स एंड साउंड इफेक्ट, ये एक बहुत बड़ी टेक्निक है जो बहुत सही तरीके से काम आती है। ये क्या है, जो कि जनरली बाकी भी हीलिंग मोडालिटीज में बताया जाता है कि आपका जो टारगेट है या आपका जो विश है या जो आप होना चाहते हो उसको आप विजुअलाइज करो विथ साउंड इफेक्ट। समझ आ रहा है मेरा बोलने का मतलब, विजुअलाइज करिए विथ साउंड इफेक्ट। आपने देखा होगा ना जब आप लोग कॉमिक्स पढ़ते थे तो एक ऐसे करके ऐसे निकलता है, एक ऐसे वो क्या बोलते हैं ना, वो बबल, हाँ बबल बनता है और उसके अंदर में लिखा होता है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो जब आप एक बार सोचते हैं ना तो इतना छोटा बबल बनता है, इतना छोटा, उसी चीज़ को दोबारा सोचेंगे तो इतना, तिबारा सोचेंगे तो इतना, 4 बार सोचेंगे तो इतना, वो करते करते बबल को इतना बढ़ाओ, ठीक है, कि वो आपका कायनात तक चला जाए। तो इसका मतलब यही होता है कि किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से चाहो कि पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाए। इसका मतलब क्या है, एक थॉट को इतना पानी दो, उसको इतना बड़ा कर दो कि वो इनर वर्ल्ड में मैनिफेस्ट हो जाए।